गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे हैं और आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। सो आज मैं एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था रिसेंटली, उसके मिक्सिंग के लिए स्टूडियो जा रहा हूँ। सो आज मैं आपको स्टूडियो टूर पर लेकर चलूँगा और लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जा रहा हूँ जुहू अवी स्टूडियो, जो कि आदेश श्रीवास्तव जी का स्टूडियो है। सो मोस्ट ऑफ़ द रिकॉर्डिंग्स मैं आदेश श्रीवास्तव जी के स्टूडियो में ही करता हूँ जुहू में। और मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था नवी मुंबई स्वच्छता अभियान के लिए, और उस सॉन्ग की मिक्सिंग के लिए आज मैं जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। आई थिंक आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हाल ही में मैंने परम अवतार श्री कृष्ण के लिए कुछ सॉन्ग्स गाए थे। बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स थे, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं वो सारे सॉन्ग्स। और आज मैं उन्हें भी शूट करूँगा और जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल सोल स्टार रोहित पर अपलोड करूँगा। सो आप लोग ज़रूर उसे सुनिएगा, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। सो चलते हैं स्टूडियो। अभी मैं स्टूडियो पहुंच के कैमरा ऑन करता हूँ। सो गाइस, मैं जुहू पहुंच चुका हूँ। ये जुहू सर्कल है और मैं ऑलमोस्ट स्टूडियो पहुंच चुका हूँ। पर ये बहुत ही अच्छा मंदिर है गणपति का। स्टूडियो देखिए, मैं पहुंच चुका हूँ स्टूडियो जुहू। जय सूर्य नारायण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर एरिया है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये मेरे पीछे है अवी स्टूडियो, जो कि आदेश श्रीवास्तव जी का है। सो ये है स्टूडियो, आइए चलिए अंदर चलते हैं। हमने कार लॉक किया, मैं देखा था। सो ये है स्टूडियो जहाँ पर मैं आज मिक्सिंग करने वाला हूँ। हेलो पंकज, दिस इज द ब्यूटीफुल स्टूडियो जहाँ पर मेरे फ्रेंड साउंड इंजीनियर पंकज हमारे साथ हैं। हम लोग बहुत ही सुंदर सा गाना मिक्स करेंगे। सच अ प्लेजेंट प्लेस, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर इतनी अच्छी फीलिंग आती है, काम करने में अलग ही मज़ा आएगा। जितनी भी बार मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। यहाँ पर काम करने में बहुत मज़ा आता है। आइए चलिए अंदर चलते हैं। सो दिस इज़ माई रूम जहाँ पर मैं आज काम करने वाला हूँ। सो गाइस, पीछे जो आप देख रहे हैं वो मिक्सिंग रूम है जहाँ पर मैं अपना सॉन्ग मिक्स करने वाला हूँ आज। और अंदर जाने से पहले थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में।
सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर लूँ कि सॉन्ग मिक्सिंग क्या होता है और सॉन्ग रिकॉर्डिंग क्या होता है। सो डेफिनेटली जो लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं उन्हें इस चीज़ की जानकारी है कि सॉन्ग मिक्सिंग क्या होता है। तो मैं सरल शब्दों में यदि बताऊँ तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग के बाद में जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज सॉन्ग मिक्सिंग। उसमें हम लोग जो गाना खूबसूरत सुनाई देता है ना आप लोगों को और इतना श्रवणीय जो बनता है, वो जो प्रोसेस होती है वो सॉन्ग मिक्सिंग के बाद में ही आपको इतना अच्छा सुनाई देता है। सो जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे एक सिंगर आके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर देता है, हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें जितने भी लाइव यदि रिकॉर्ड करने हैं तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ होने के बाद में। माझी नवी मुंबई हाच अभिमान माझा, माझी नवी मुंबई हाच अभिमान माझा, नवी मुंबई आमची जान, नवी मुंबई, नवी मुंबई आमची जान। नवी मुंबई आमची जान।
पंकज उन्मू सुन